Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, my name is Simral Qasim and welcome back to my channel. So आज की वीडियो में मैं आप सब लोग के साथ शेयर करूँगी 3 रूम डेकोर DIYs एंड ये सारे DIYs काफ़ी ईजी एंड क्विक हैं. So without wasting any more time, let's get started. तो फर्स्ट DIY में हमें चाहिए एक एम्ब्रॉयडरी रिंग, सम रिबन्स, सम आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड सम कलर शीट्स. तो सबसे पहले हम एम्ब्रॉयडरी रिंग लेंगे और उस पर ग्लू गन की हेल्प से अपनी मनपसंद कलर की रिबन को रैप कर लेंगे. कुछ इस तरीके से. 2000 years later. एंड रैप करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. देन हमें चाहिए गोल्डन शीट जिस पर हम यूनिकॉर्न हॉर्न ड्रॉ करके कट कर लेंगे. फिर हमें चाहिए एक वाइट शीट जिस पर हम यूनिकॉर्न के एयर बना लेंगे एंड उसको भी कट कर लेंगे. और फिर हमें इस रिंग पर यूनिकॉर्न का हॉर्न एंड एयर दोनों पेस्ट कर लेने हैं. और उसके बाद हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स को भी इस रिंग पर पेस्ट कर देंगे. एंड लास्ट स्टेप में हम लेंगे कुछ रिबन्स. आप चाहें तो यार्न यूज़ कर लें. तो इस रिंग के नीचे वाले पोर्शन पर हम सारी रिबन्स को एक एक करके बांध लेंगे. एंड या दैट्स इट. ये हमारा यूनिकॉर्न रिंग रेडी है. सो नेक्स्ट DIY काफ़ी सिंपल है. इसमें हमें चाहिए एक ग्लास जार और एक गोल्डन कलर की ग्लिटर शीट जिस पर हमें छोटे छोटे हार्ट्स बना लेने हैं एंड उसको कट कर लेना है. देन ये सारे हार्ट्स इस जार पर एक एक करके पेस्ट कर लें. एंड मैंने इसको खूबसूरती देने के लिए इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर डाल दिए एंड इट्स डन. तो लास्ट DIY में हमें चाहिए फोटो फ्रेम, वाइट शीट, सम कलर पेंसिल्स, ब्लैक मार्कर, सिजर एंड सम आर्टिफिशियल फ्लावर्स. तो सबसे पहले हम फ्रेम को ओपन कर लेंगे एंड उसमें जो ग्लास है उसके साइज का A4 पेपर कट कर लेंगे. एंड कट करने के बाद उस पर आप कोई भी प्यारा सा कोट लिख लें जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ, गुड वाइब्स ओनली. इसके बाद आपको कुछ डिफरेंट कलर पेंसिल का यूज करके टैक्स या कॉर्ड के अराउंड छोटे छोटे डॉट्स बना लेने हैं. एंड आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा और प्यारा दिख रहा है. अब हम इस पेपर को फ्रेम के अंदर पुट करके क्लोज कर देंगे. एंड लास्ट में हम फ्रेम पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स पेस्ट कर देंगे. और ये हमारा खूबसूरत सा फ्रेम रेडी है. So that's it guys for today's video. I hope you guys like it. So see you in my next video. Allah Hafiz.